हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सीड एकेडमी और मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी अपनी कंटिन्यू करेंगे और आज डे टू है प्रोबेबिलिटी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो यहां पर बेटा ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन है जिसमें ये बोलते हैं कि अ नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स -3 -2 -1 0 1 2 3 व्हाट विल बी the probability that the square of the number is less than or equal to 1। तो ये बोलते हैं कि what will be the probability कि x square and equal or less than है or more than है। what will be the probability that square of the number is less than or equal to 1। तो वो क्या बोल रहा है कि क्या होना चाहिए, बराबर छोटा होना चाहिए और या फिर 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक बॉक्स मान लीजिए, एक बॉक्स में ये सारे नंबर्स हैं और उसने रैंडमली मींस अचानक से, मतलब बिना सोचे समझे उसने एक नंबर को सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब वो जो नंबर है वो क्या है, अगर उस नंबर का स्क्वायर कर देंगे हम लोग तो वो नंबर या तो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। तो वो नंबर आपको उसकी आपको पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल आउटकम्स आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो यहाँ पर एक एक कंडीशन अप्लाई करते हैं। अगर पहला नंबर मान लीजिए -3 होता तो इसका अगर मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये तो 9 हो गया, तो इसने ये कंडीशन तो फुलफिल ही नहीं की, ये तो 1 से बड़ा हो गया। तो यहाँ पर ये तो हो ही नहीं सकता नंबर। अगर -2 की बात करते हैं बेटा तो यहाँ पर आपका 4 हो गया, तो 4 भी 1 से बड़ा हो गया। -1 की बात करते हैं तो -1 आपका 1 हो गया, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि -1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और इक्वल भी हो सकता है, तो ये क्या हुआ, करेक्ट हो गया। उसके बाद अगर 0 की बात करते हैं तो 0 तो 0 होता है, ये भी करेक्ट हो गया। 1 की बात करते हैं तो बेटा 1 का 1 होता है, ये भी इक्वल 1 है। उसके बाद 2 की बात करते हैं, 2 का स्क्वायर हुआ तो 4 हो गया, ये फिर से बड़ा हो गया 1 से, तो ये इक्वल नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 3 का स्क्वायर किया तो 3 तो 9 हो गया, तो ये भी आपका इक्वल नहीं हुआ। तो अगर इस कंडीशन की बात करें और इन ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ऐसी 3 कंडीशन आती हैं जो इसको फुलफिल करती हैं, जो हमारे क्या है, फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो यहाँ पर अगर हमें -1, 0 और 1 मिलेगा तो ही हम क्या करेंगे, हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल होती है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि बेटा जब आप प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो जिसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी आपके फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर है बेटे? तो यहाँ पर क्या हुआ, आपकी कंडीशन क्या हुई, 3 हुई, सिर्फ 3 कंडीशन है और टोटल आपके पास कितनी कंडीशन है, आपके पास ऑलरेडी टोटल आपके पास 7 है। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है इस कंडीशन की वो आपकी होती है 3/7, वो आपकी क्या होगी, 3/7। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट दैट इज श्योर टू हैपन। इसका मतलब है कि अगर आपको ये कहा जाए कि एक इवेंट है जो होने वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी और वो ये है कि श्योरिटी से होने वाला है, तो अगर आप इसकी बात करते हैं कि हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी 1 होती है, तो जब उसके सारे ही फेवरेबल है, मान लीजिए कि अगर एक वोटिंग हो रही है और एक वोटिंग वाले मेंबर्स को सबने उसी को ही वोट दे दिया है, सारे फेवर उधर ही चले गए हैं, तो फिर आपको पता है कि वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, कि वो तो जीतना ही जीतना है या नहीं है। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा बेटा, इट विल बी अ 1। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो भी बच्चे प्लीज मेरे से नए जुड़ रहे हैं आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आपको शेयर कमेंट भी करना है जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती रहूं। तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आप तक आती रहेगी और आपकी कंटिन्यूटी नहीं टूटेगी और आप चैप्टर को अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आज ये डाइस हमें फिर से खिलाने वाला है।
तो ज्यादातर ये क्या होता है, डाइस ही खिलाता है, डाइस या कॉइन की ही बात की जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर है ये बेटा, क्वेश्चन नंबर। इसमें ये बोलता है कि जो डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर व्हिच हैज एटलीस्ट टू फैक्टर्स। ठीक है, तो वो क्या बोलता है, एटलीस्ट टू फैक्टर्स, जिसके कम से कम क्या होने चाहिए, दो फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बात करते हैं, अगर डाइस की बात करते हैं तो डाइस के टोटल आउटकम्स आपको पता है, सबसे पहले टोटल आउटकम्स क्या होते हैं, या तो वन आने वाला है, टू होगा, थ्री, फोर, फाइव या सिक्स होगा। ठीक है, उसने क्या किया है, एटलीस्ट टू फैक्टर्स। ठीक है, क्या है, टू फैक्टर्स की बात की जा रही है, कि कम से कम, मतलब अगर एटलीस्ट की बात की जाए तो एटलीस्ट मतलब होता है बेटा कि आपका जो भी आपकी वैल्यू है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, कम से कम दो और उससे ज्यादा होनी चाहिए। जहां पर भी एटलीस्ट आ जाएगा तो आपको समझ जाना है कि मुझे कम से कम वो नंबर और उससे ज्यादा होंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन टू। तो यहाँ पर आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, फैक्टर्स, जिसके दो फैक्टर्स हो। अगर वन की बात की जाए तो वन का फैक्टर क्या होगा, सिर्फ एक वन इटसेल्फ होगा, और तो कोई नहीं होगा, तो सिर्फ एक वन ऐसा है जिसके फैक्टर्स नहीं होंगे। लेकिन अगर टू की बात की जाए तो टू के फैक्टर्स ऑलरेडी वन और टू है, थ्री का वन और थ्री है, फोर का आपका वन टू फोर है, फाइव का आपका वन एंड फाइव है, और सिक्स का वन टू थ्री एंड सिक्स है या नहीं है। तो यहाँ पर आपकी जो फेवरेबल केसेस है, ठीक है, वो आपके कौन कौन से हो जाते हैं, आपका टू भी है, थ्री भी है, फोर भी है, फाइव भी है और सिक्स भी है। ठीक है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, फेवरेबल केसेस हमारे पास कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव है, तो फाइव आपका न्यूमरेटर में आ गया, और टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके, सिक्स है, तो आपका आंसर आ जाता है फाइव बाय सिक्स। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बेटा जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी एटलीस्ट का मतलब है मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो चलेगा लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे बेटा, इसके बाद आ जाता है एट मोस्ट। अभी हमने एटलीस्ट के बारे में पढ़ा है, अब हम बात करेंगे एट मोस्ट की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बात की जाती है, क्वेश्चन में आपको गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर किया जाता है एट मोस्ट, ये वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि यहाँ पर क्या गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलता है कि आपका क्या है, एट मोस्ट होना चाहिए मतलब मैक्सिमम टू। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या आ जाती है कि जो भी आपकी वैल्यू है वो क्या है, या तो आपकी टू के बराबर होनी चाहिए या टू से कम होनी चाहिए। यहाँ पर उसने कंडीशन क्या कर दिया है कि एट मोस्ट यहाँ तक। ठीक है, कि मतलब यहाँ तक, कहते हैं ना बच्चे कि कई बार आप देखते हैं कि आप, हम लोग उसमें जाते हैं, क्या कहते हैं आपका ये दैट्स जू, नॉट जू, एक्चुअली कई तरह की जो आपके झूले वगैरह होते हैं तो उसमें क्या होता है, बच्चों की हाइट होती है कि आप अगर इस हाइट के नीचे होते हैं तो आप जा सकते हैं, नहीं तो अगर आप इस हाइट के ऊपर है तो आप नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर वही कंडीशन है कि बेटा यहाँ पर एटमोस्ट उसने यहाँ तक बता दिया कि इससे छोटे वाले जो होंगे वो आ सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा वाले नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हुई, एटमोस्ट की कंडीशन क्या हुई कि टू तक, तो वन तो वन, वन तो छोटा है तो वन तो आएगा ही आएगा और टू के भी बराबर हो सकता है, लेकिन थ्री फोर फाइव सिक्स जो है आपके वो क्या है, बड़े हैं, तो वो क्या है, उस लाइन को क्लियर कर चुके हैं तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट आपकी टू बनती है, टू आउटकम्स है, तो यहाँ पर हो गया टू, और टोटल आपके केसेस कितने हैं, आपके सिक्स है, तो वन बाय थ्री आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है बेटा, जब एटमोस्ट होता है तो एटमोस्ट का मतलब है कि ऊपर वाला, ठीक है, कि मैक्सिमम ऊपर वाली रेंज आपको फिक्स्ड कर दी है तो उससे नीचे नीचे वाले बच्चों को आपको लेना है। और जब एटलीस्ट का मतलब होता है तो इसका मतलब है कि जो आपकी रेंज दी है वो नीचे वाली दी है और आपको उससे ऊपर वाली लेनी है। तो होपफुली आपको ये सेशन समझ में आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।